गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ माइंड योर साइंस चैनल के लिए आपके साथ ये वीडियो लेक्चर्स शेयर कर रहा हूँ। और जैसा कि आप जानते ही, ये एजुकेशनल चैनल है। इसमें जो बेसिक मोटिव है हमारा, बच्चों तक जो फ्री एजुकेशन है वो पहुँचाने का है। और आप तक ये वीडियोस पहुंच रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, आप अपने नोट्स बना पा रहे हैं। कंप्लीट नोट्स मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, पूरी डिटेल में आपको डेप्थ में समझाया जा रहा है। साथ में ही जो जनरल अवेयरनेस है उसके बारे में भी कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ मैं। और कल के एक वीडियो के अंदर मैंने CBSE के जो बोर्ड के जो गतिविधियाँ थी उनके बारे में एक वीडियो बनाया, वो डाला था, उसको भी आपने देख लेना है। और साथ साथ आपकी पढ़ाई प्लस वन और प्लस टू की जो क्लासेस हैं केमिस्ट्री की, वो बिल्कुल ऑनलाइन आपके साथ चल रही है, जिससे कि जो सिलेबस है वो आपका टाइमली पूरा हो जाए। और आप अपना रिवीजन जो वर्क है उसके लिए भी मैंने टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो जो चैप्टर्स आपके हो जाते हैं उसके टेस्ट सीरीज़ के भी क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी पे कर लें, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही बढ़िया ढंग से हो जाएगी आपकी। तो इसी के साथ ही अब मैं चैनल का जो आज का लेक्चर है वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, जो टॉपिक्स आज हमने कवर करने हैं। तो यूनिट हम 4 पढ़ रहे हैं, आप जैसा कि जानते ही हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्टिन्यूड लेक्चर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के जो टॉपिक्स रहेंगे 4 मुख्य टॉपिक्स रहेंगे और इनके बारे में पूरी डिटेल आपको नोट्स दिए जाएंगे। थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, नोट्स आप मेरे साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले है रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, देन वी विल स्टडी अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन विद एग्जांपल्स। एग्जांपल के साथ हम मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शन। तो आज के जो टॉपिक्स हैं वो आपने नोट डाउन कर लेने हैं, आज यही टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो मैं यहाँ से आपके साथ ये 4 टॉपिक डिस्कस करूँगा। तो मैं सीधे ही आपको अपने लेक्चर पे लिए चलता हूँ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। क्या है हमारा आज का टॉपिक, सबसे पहले आप समझ ही गए हैं, आप नोट डाउन अपनी कॉपी में करें, मैं डेफिनेशन अभी आपको लिख के समझा देता हूँ तो आप लर्न कर लेंगे। टॉपिक है हमारा डिफाइन द टर्म रेट कॉन्स्टेंट, दैट इज के। कई मेरी रेट कांस्टेंट को पता ही है आपको, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलते हैं, तो कहीं पर ही डिफाइन स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट आ जाता है, तो लिखना आपने यही डेफिनेशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, जनरल रिएक्शन यूज करेंगे, ए प्लस बी गिव्स यू प्रोडक्ट, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू के रेट कॉन्स्टेंट इंटू मोलर कंसंट्रेशन ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन बी। कहता है इफ मोलर कंसंट्रेशन ए इज टेकन एज 1 एंड मोलर कंसंट्रेशन बी इज टेकन एज 1, दैट इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर टेकन एज 1, then rate of the reaction becomes equal to k, और k क्या है यहाँ पर, रेट कॉन्स्टेंट। तो यहीं से डेफिनेशन बनाई गई है रेट कॉन्स्टेंट की, जो आपसे पूछी गई है। तो अब मैं इसका आंसर लिखूँगा, तो अब आप समझ जाएंगे कैसे लिखा है डेफिनेशन। तो अब आप मेरे साथ इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, रेट कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज रेट कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज द, देखो बेटा रेट कांस्टेंट किसके बराबर होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन के बराबर होता है, डिफाइन एज द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन
द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर टेकन एज वन. जो मोलर कंसेंट्रेशन आपने क्या लिया बेटा, टेकन एज वन. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, जो कि आप नोट डाउन करेंगे के की डेफिनेशन क्या होती है ये आपके सामने यहाँ पर दी हुई. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ के. तो सबसे पहला आर्टिकल जो है आज हमारा क्लियर हो गया, तो ये आपने नोट कर लिया. सिंपल सा आर्टिकल है, दोबारा बता देता हूँ. रेट कॉन्स्टेंट रेट ऑफ द रिएक्शन के बराबर होता है जब मोलर कंसेंट्रेशन टर्म्स हम कितने के बराबर लेते हैं, वन मोल के बराबर लेते हैं. तो ये हमारी रेट कॉन्स्टेंट की परिभाषा है जो मैंने आपको समझाई और साथ में नोट्स दे दिए आपको, आपने नोट कर लिया होगा. अब हम डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जैसा कि आपने साइट पे देखा था, लिखा हुआ था मैंने, डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ द रिएक्शन वर्सेस रेट कांस्टेंट. तो जो भी डिफरेंस के क्वेश्चंस होते हैं वो आपने टेबलर फॉर्म में करना होता है, तो इसके लिए आप टेबल बनाएंगे. इसमें चांस की बात है, सिर्फ तीन ही पॉइंट्स हैं. तो टू मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है तब भी आपने तीन ही पॉइंट्स लिखने हैं, ही तीन पॉइंट्स. तो ये टू मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर रहा हूँ मैं. तो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा मैंने रेट ऑफ द रिएक्शन, और राइट हैंड साइड पे लिख रहे हैं रेट कांस्टेंट. और कई बारी ये स्पेसिफिक बोल देता है, तो अगर स्पेसिफिक बोलता है तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट लिख देना है, दैट इज के. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो आपको पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी, इट इज़ द चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम. डब्ल्यू आर टी क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इस कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन. तो ये रेट ऑफ रिएक्शन की परिभाषा है हमारी. रेट कॉन्स्टेंट की है अभी पढ़ी. रेट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू द rate of the reaction when the molar concentration of the reactant is taken as one, that is one is unity. This is the first point of your difference question, rate of the reaction versus रेट कॉन्स्टेंट क्या होता है. सेकेंड है बेटा, इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल मतलब शुरुआत, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. ये रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर निर्भर करता है. यहाँ पर क्या है बेटा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. ये इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर निर्भर नहीं करता है. और इसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे, लास्ट पॉइंट है इसका, तीन ही पॉइंट्स है जैसा मैंने आपको बताया. तो इसमें एडिशनल पॉइंट्स नहीं है कि भाई अपने आप बना के लिखना है. There are only three points. The units of rate of the reaction is moles per liter per second. यहाँ पर लिखना है, it does not have the fixed unit. इसकी unit fixed नहीं है, fixed unit
और कल निकाली थी हमने, अलग अलग ऑर्डर की अलग अलग, कल होमवर्क भी दिया था वो भी कर लिया होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के ऊपर निर्भर करता है। तो ये हमारा डिफरेंस का क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किया और इसके आगे भी कंटिन्यू करते हैं। अब हम अगला टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। अब सबसे पहले समझेंगे कि क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, देयर आर सम केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस इन सेवरल स्टेप्स। दैट इज मतलब क्या इसका, मोर देन वन स्टेप रिएक्शन। More than one step reaction, the complete description of a chemical reaction, एक रिएक्शन की complete description of a chemical reaction is called as the mechanism of the reaction. कॉल्ड एज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मतलब आपने समझना है कि एक तो सिंगल रिएक्शंस होते हैं बेटा, और कुछ काफ़ी स्टेप्स होते हैं, जैसे 10-15 स्टेप्स के बाद एक रिएक्शन कर रहे हैं। अब कंप्लीट मतलब स्टार्टिंग, जैसे यहाँ से रिएक्टेंस से स्टार्ट हुए और काफ़ी सारे स्टेप लगने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बना, तो पूरे बीच की जो डिटेल्स है इसको जब स्टडी करते हैं, पूरी कंप्लीट स्टडी, उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो एक रिएक्शन की शुरू कहाँ से हुआ और एंड कहाँ पर हुआ, तो उसका जितना भी पूरा गैप है, मतलब पूरे स्टेप्स हैं जो, तो उनको पूरे को पढ़ना क्या कहलाती है, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन कहलाती है। और इसमें ध्यान रखना है कि ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलिटी जो निकालते हैं वो हमेशा किससे निकालते हैं, स्लो स्टेप। ये भी MCQ आया हुआ है। तो जैसे ऑर्डर निकालना है या मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन निकालना है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाय द स्लो स्टेप। जो हमारा स्लो स्टेप होता है वो हमारा ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी होता है, रेट ऐसे बोलते हैं इसको, रेट डिटरमिनिंग स्टेप इज इक्वल टू द स्लो स्टेप। जो हमारा स्लो स्टेप है दैट इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो ये आपने इस पूरे टॉपिक को समझना है। अब मैं आपके साथ दो एग्जांपल शेयर करूंगा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों पेपर में आए हुए हैं, और एक थर्ड एग्जांपल आपका बुक में है, वो आपने अपने आप करना है। और अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो आपने मेरे से कमेंट बॉक्स में जाकर डिस्कस करना है। तो अब मैं आपका एग्जांपल नंबर 1 शेयर करने जा रहा हूँ, फर्स्ट एग्जांपल टू स्टडी द मैकेनिज्म। तो क्या लिखा आएगा, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द गिवन chemical reaction, also predicts about the order and molecularity
ऑफ द रिएक्शन. तो ये अब हम मैं पूरा आपके साथ डिस्कस करूँगा इस वाले रिएक्शन की, जो रिएक्शन मैं लिखने जा रहा हूँ. क्या रिएक्शन है बेटा? टू मॉलिक्यूल ऑफ N2O5 गिव्स यू 4 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 प्लस ऑक्सीजन. इस रिएक्शन की मैकेनिज्म हमें पूरी डिस्कस करनी है. अब इसको कैसे लिखा जाएगा ये मैं आपको साथ साथ समझाऊँगा, और साथ साथ आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे मेरी अपनी कॉपीज के ऊपर. आंसर आपने स्टडी करना है मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. हेडिंग बनाया इसका, अंडरलाइन कर दिया. इसके बाद आप इस इक्वेशन को लिखोगे जो गिवन दैट है टू मॉलिक्यूल ऑफ N2O5 गिव्स यू 4 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन. इसको बोलते हैं डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, और ये है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. इट इज डिवाइडेड इंटू टू स्टेप्स. इसको दो हिस्सों में बांटा गया, स्टेप वन एंड स्टेप टू. आप जरा ध्यान से देखेंगे स्टेप वन क्या है और स्टेप टू क्या है, और कैसे लिखना वो सिखाऊंगा मैं आपको, ध्यान से देखना है. तो स्टेप वन और देन इन स्टेप टू. स्टेप वन में आपने ये एक मॉलिक्यूल यहाँ से ले लेना है. अब आप ध्यान से देखें N2O5, एक चीज़ तो ये लिख दी NO2. अब NO2 को इसमें से माइनस किया तो क्या बच गया? NO3. ठीक है, ये प्रोडक्ट आपको ऊपर से नहीं लिखना है. ये कैसे लिखना है? ये वाला प्रोडक्ट आपने यहाँ लिख दिया, इसमें से ये माइनस कर दिया तो क्या बन गया? NO3. पहला जो स्टेप है दिस इज द स्लो स्टेप. अब दोबारा देखना है, सेकंड मॉलिक्यूल पड़ा है, ये दोबारा मॉलिक्यूल ले लिया प्लस. अब फाइनल इक्वेशन में ये नहीं है, इसको आपको यहाँ लिखना पड़ेगा जिससे कि क्रॉस ये कैंसिल हो जाए. अब ऊपर क्या बना हुआ है? NO2 मैंने लिख दिया NO2, और साथ में क्या उतार लिया? अब इसको बैलेंस कर देंगे. नाइट्रोजन कितनी है? 2 और 1 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. ऑक्सीजन कितनी है? 5 और 3 8, 6 और 2 8. तो अब ये जो सेकंड स्टेप है दिस इज़ अ फास्ट स्टेप. अब ये दोनों इक्वेशंस को प्लस किया जाएगा. अब प्लस करने के बाद ये बन जानी चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन सही है, नहीं तो गलत है. इसीलिए मैंने इसको NO3 लिखा था. तो ये बन गया 2N2O5 गिव्स यू 3+1 4NO2 प्लस ऑक्सीजन. तो ये हमारा ओवरऑल प्रोसेस आ गया. तो कैसे हमने एक रिएक्शन को दो हिस्सों में बांटा वो मैंने आपको प्रक्रिया समझाई. मैं दोबारा समझा देता हूँ. ये पहले आपने यहाँ उतार लिया, यहाँ से देखकर ये उतार लिया, इसको इसमें से माइनस कर लिया, ये अपने आप आ गया. इसके बाद सेकेंड स्टेप में ये वाला 2 मॉलिक्यूल था, इसको यहाँ उतार लिया. ये चीज़ हमारे को नहीं चाहिए तो इसको यहाँ उतार लिया, और ऊपर से देखकर हमने क्या निकाल दिया? NO2 और ऑक्सीजन. फिर हमने इसको बैलेंस कर दिया. कैंसिल करने के बाद फाइनल इक्वेशन वही तैयार होगी जो हमारे पास थी. अब इसका एक तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन लिखना है, और एक लिखना है मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शन. तो वो स्लो स्टेप को देखते हुए लिखना है, तो ये वाला स्टेप यूज़ होगा. तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू के N2, एक ही रिएक्टेंट है, N2O5 की पावर 1. तो N की वैल्यू कितनी आ गई? 1. तो इट इज़ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. और जैसे कि मैंने बताया है ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है. और मॉलिक्यूल यहाँ पर 1 है, इट इज़ ए यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन. यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब है इसकी मॉलिक्यूलिटी कितनी है? 1. वी हैव द मॉलिक्यूलिटी दैट इज इक्वल टू 1. तो अब आपको पहला एग्जांपल मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू 1. तो ये आपका कंप्लीट आर्टिकल है.
तो ये पूरा का पूरा अपने पेपर में सॉल्व करना है। अगर आपके पास पेपर में प्रश्न आता है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, तो ये ऐसे मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन डिस्कस करना होता है। अब हम एग्जांपल टू की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल टू दिया हुआ है आपके पास, टू मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस फ्लोरीन, इट गिव्स यू टू मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोइल, राइट। अब इसको कैसे करेंगे, अब हमें इसका मैकेनिज्म डिस्कस करना है, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। इट इज डिवाइडेड इनटू टू स्टेप्स। ये आपके सिलेबस में टू स्टेप्स सी रिएक्शंस हैं, इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, और इससे ज़्यादा भी स्टेप्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके जो सिलेबस में दिए हुए हैं मैंशनड है वो सिर्फ टू स्टेप रिएक्शंस हैं। तो अब हम दो स्टेप्स बनाएंगे, स्टेप वन और स्टेप टू। कैसे बनाएंगे आपको बताया मैंने। सबसे पहले यहाँ देखो, ये रिएक्टेंट है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसमें दूसरा रिएक्टेंट भी है, इसको भी लिख दिया, और यहाँ पर प्रोडक्ट एक ही बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है, NO2F। अब जरा ध्यान से बैलेंस देखेंगे, एक नाइट्रोजन, दो ऑक्सीजन, दो फ्लोरीन, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फ्लोरीन एटम लिख देंगे। और फर्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज़ द स्लो स्टेप, ये फिक्स होता है। और अब आप देखें इसमें से क्या है हमारे पास, एक फ्लोरीन तो ले चुके हो, एक NO2 बचा है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, NO2। और यहाँ पर फ्लोरीन नहीं है, तो ये वाला फ्लोरीन हमने एटम यहाँ लिख दिया, और ये बन गया फिर से N2F। तो ये हमारा जो है, दिस इज़ द फास्ट स्टेप। और अब आप देख रहे हैं ये फ्लोरीन इस फ्लोरीन से कैंसिल आउट हो जाएगा, और अब इसका ओवरऑल रिएक्शन टू मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्लोरीन गिव्स यू वन प्लस वन टू नाइट्रोइल फ्लोराइड। तो ये हमारा आपके पास इस रिएक्शन को करते हुए आ गया। तो ऐसे आपने रिएक्शंस के स्टेप्स बनाने। अब रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्लो स्टेप के ऊपर, और स्लो स्टेप हमारा कौन सा है, फर्स्ट स्टेप, तो इस पर टिक कर दिया मैंने। तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट के NO2 की मोलर कंसंट्रेशन डॉट फ्लोरीन सेकेंड की मोलर कंसंट्रेशन वन वन, तो N की वैल्यू वन प्लस वन दैट इज टू, तो इट इज़ ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसके साथ ही आप देख रहे हैं इसमें रिएक्टेंट्स कितने हैं बेटा, दो, तो इट इज़ ए बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है बेटा, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, और बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शन कितना आएगा, टू आएगा, टू लिखेंगे इसका। तो मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू बेटा टू। तो ये थे हमारे दो मैकेनिज्म्स, आपको दो एग्जांपल्स कराए मैंने, तीसरा एग्जांपल आपने बुक में से अपने आप करना है, तो वो भी ऐसा ही है बिल्कुल, आपको समझ आ गया होगा, तो खुद करोगे तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आप, तो दैट यू विल डू योर सेल्फ, दैट विल बी थर्ड एग्जाम्पल इज़ योर होमवर्क, एग्जाम्पल थ्री इज़ योर होमवर्क। तो प्लीज़ अपने काम को करते रहें और ईमानदारी से करें, जिससे कि आपके जो नंबर हैं बहुत अच्छे आ सकें। तो अब हम इसका आज का चौथा आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्या है बेटा, इट इज़ वेरी वेरी अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, पहले भी लिखा था, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो अभी ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे, और जैसे कि जानते ही हैं कि जो भी डिफरेंस के क्वेश्चंस होते हैं उनको हमने टेबलर फॉर्म में अटेम्प्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मैंने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पे,
और मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन लिखा है मैंने अपनी राइट हैंड साइड पे। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन ही लिखी जाएगी। भाई डेफिनेशन क्या है? नंबर वन, इट इज़ द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स रिप्रेजेंटेड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन टर्म रिप्रेजेंटेड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। शॉर्ट में लिख दी डेफिनेशन। इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलाइडिंग विथ ईच अदर साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन। तो दैट इज द मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शन। तो ये हमारी सबसे पहले दोनों पॉइंट्स के अंदर आपने डेफिनेशंस लिखी है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलिटी। उसको थोड़ा शॉर्ट करके लिखा है जिससे कि बड़ा ना हो जाए। और इसके चार पॉइंट्स हैं जैसा मैंने बताया। अब हम इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे। वो इस प्रकार से हैं, आप कंप्लीट नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल आप ध्यान से इसको नोट कर सकते हैं। कंप्लीट नोट्स आपको यहाँ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं चैनल के माध्यम से, और आपकी कहीं से भी कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएगी। आप बुक में सिर्फ रेफ़र कर सकते हैं और आपको पूरा NCERT फॉलो करवाया जा रहा है और आपको बढ़िया नोट्स दिए जा रहे हैं। सेकंड क्या है बेटा? इट कैन बी ज़ीरो और इट कैन बी इन फ्रैक्शन। जैसा कि कल उदाहरण में दिखाया गया था, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन भी होता है और 3/2 भी होता है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी ज़ीरो, इट कैन बी इन फ्रैक्शन, बट मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट बी ज़ीरो। इट कैन नॉट बी ज़ीरो और इन फ्रैक्शन। ना तो ये ज़ीरो हो सकती है ना ही फ्रैक्शन। अगर रिएक्टेंट ही नहीं होंगे तो रिएक्शन ही नहीं होगा। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर सेकेंड। थर्ड, मैंने बार बार बताया है कि ये इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स के ऊपर निर्भर करता है। और ये इट डिपेंड्स अपॉन द थ्योरेटिकल फैक्ट्स या कॉन्सेप्ट्स। तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर निर्भर करता है। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर थ्री। इसके बाद ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालने के लिए आप सिंगल रिएक्शन का प्रयोग करते हैं। इट इज डिटरमाइंड बाय यूज ऑफ सिंगल रिएक्शन। एक सिंगल रिएक्शन को यूज़ करते हुए जो कि स्लो स्टेप होता है उसके द्वारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाला जाता है। लेकिन मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शन निकालने के लिए अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो सभी रिएक्शंस कंसीडर किए जाते हैं। तो ये डिफरेंस है इसका। तो इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है देन मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द यूज ऑफ ऑल द स्टेप्स या ऑल द रिएक्शंस। तो आपको सभी रिएक्शंस को कंसिडर करना है। अगर बाई चांस क्या होता है, आपकी क्या निकालना पड़ गया, आपको
ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना पड़ गया. तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन, दैट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वर्सेस मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शन. तो ये था हमारा आज का चौथा टॉपिक जो आपके स्क्रीन के ऊपर था, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया. और इसके साथ एक क्वेश्चन और डिस्कस करूँगा, और वो डिस्कस क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन फॉर्म में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यू राइट डाउन द क्वेश्चन, क्या है कि व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव हायर ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी रिएक्शंस. ये ऐसे भी हो सकता है कि हायर ऑर्डर, हायर मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शन रेयर क्यों है, रेयर मतलब कम क्यों है बेटा. तो क्वेश्चन इसकी हिंदी क्या है कि ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल है कि हायर ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलिटी हो. अब देखो ध्यान से, इसका आंसर ऐसे समझा देता हूँ कि जब रिएक्शंस होते हैं तो रिएक्शंस होने के लिए मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं. तो कोलिजन्स होंगी तो क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा, और अगर कोलिजन्स नहीं होगी तो प्रोडक्ट्स नहीं बनेगा. अब सवाल ये पैदा होता है, अगर 50 रिएक्टेंट है तो 50 एक साथ एक समय पर एक जगह पर कोलाइड नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है, समझ ही आ रहा होगा. तो इसीलिए हायर ऑर्डर एंड हायर मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल. तो अब इसको आंसर को लिखेंगे. ये आज की टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है कि इसका आंसर ऐसे है, अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स collides with each other to form the product. ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तभी बनता है क्या बेटा, प्रोडक्ट. इट इज नॉट पॉसिबल दैट मैनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड एट द सेम टाइम है. मना कर देती. तो इट इज एट द सेम टाइम टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन, कि इट इज नॉट पॉसिबल कि खूब सारे रिएक्टेंट जो है आपस में एक साथ कोलाइड करें टू ब्रिंग ए केमिकल रिएक्शन, और इसलिए हैंस हायर ऑर्डर मॉलिक्यूलिटी इज नॉट पॉसिबल. तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, और इसके साथ ही आज का जो लेक्चर था प्लस टू क्लास का केमिकल काइनेटिक्स का, यहीं पर ही मैं क्लोज करता हूँ. और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को टाइम देने के लिए, आपने अपना कीमती समय इस चैनल के लिए दिया और साथ साथ आपने नोट्स बनाए. तो थैंक्स ए लॉट टू ऑल द व्यूअर्स, दोज हु आर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माई डियर साइंस. और इसी के साथ मैं अब विदा लेता हूँ आपसे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.